मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आयोजित जन आभार रैली तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सोलन में लोगों द्वारा लाइव प्रसारण देखा गया। हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लाइव प्रसारण के लिए सोलन के पुराने बस अड्डे के समीप LED स्क्रीन के माध्यम से व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सुना तथा गत एक वर्ष में प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। वहीं सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार के जनमंच तथा वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने से समाज का व्यापक वर्ग लाभान्वित हुआ है। वहीं लोगों ने कहा कि प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं व्यापक स्तर पर लाभान्वित हुई हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं मनोनीत पार्षद भरत सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल सफल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश एक साल में विकास की ओर अग्रसर हुआ है कि जिस तरह से पिछले एक वर्ष में प्रदेश की जो विभिन्न समस्याएं थी, विकास के जो कार्य थे जो अधूरे पड़े हुए थे और जो शुरू नहीं हुए थे, जो यहाँ की मांगे थी वो पूर्ण नहीं हो रही थी पिछली सरकार के दौरान, वो माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो है वो पूर्ण करने का जो है भरसक प्रयास किया। 9,000 करोड़ रुपया, एक ये मैं कह सकता हूँ एक ऐतिहासिक बात है कि 9,000 करोड़ रुपया प्रदेश के विभिन्न जो है वो विकास के कार्य के लिए, खास करके इसमें 1900 करोड़ रुपया हमारे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन किस तरह से बढ़े उसके लिए विशेष तौर से आया है। इस तरह से उन्होंने पहले आते ही अपने बजट में 30 विभिन्न योजनाएं जो है वो शुरू की, और खास करके जिनको 80 साल में जो है वो पेंशन मिलती थी, सामाजिक पेंशन मिलती थी, वो जो है 70 साल किया गया। वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश सरकार ने जनमंच के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान किया है। मैं पुनः एक साल पूर्ण होने पर अपने प्रदेशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और प्रदेश सरकार को और खास करके श्री जयराम ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी जनसभा थी धर्मशाला में, उसको लेकर के एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, जो कि यहाँ पर आदरणीय हमारे DPR साहब ने और पूरी सरकार ने पूरे हेडक्वार्टर्स में रखा था, उसको लेकर ये कार्यक्रम था। बहुत बढ़िया एक साल का वर्ष रहा है आदरणीय जयराम सरकार का, जिसमें जनमंच कार्यक्रम एक जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, वृद्धा पेंशन जो कि वृद्धों के लिए शुरू की गई है, और बहुत अनेक कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए शुरू किए गए, वो एक विकास का एक साल रहा। हम उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।